प्रधानमंत्री मोदी जब दावा करते हैं कि उनकी 5 सालों की सरकार में हर आदमी को घर मिला है, आवास मिला है, तो उसका पता नहीं सच क्या मीडिया में दिखाया जाता है, कितना प्रचार किया जाता है, लेकिन इनका सच यही है। यह जो चार दीवारी आप घर के चारों ओर देख रहे हैं, ये उठी उठी सी, ये घर है जहाँ ये रहते हैं। इनका नाम फिरोज है और ये इनके चाचा के लड़के हैं। रात में अगर कहीं बारिश आ जाए तो किसी की पलानी में या किसी के झोपड़ी में सो जाते हैं, अन्यथा खाना बनाने का काम, रहने का काम, और ये इनके कपड़े लत्ते की जगह है, ये बक्सा है। और ये देखिए, दो डब्बे दिखाई दे रहे हैं, शायद इसमें कुछ अनाज होगा। यह विकास है देश का। इस चेहरे को देखिए, ये हाल ही में चेहरा वीडियो में वायरल हुआ था और गो तस्कर के रूप में हुआ था। बताते हैं कि देवराज नाम का कोई शख्स है जो बजरंग दल का है, उसने पकड़ के इनको ले गया था और कबूलवाया था कि ये लोग गो तस्करी करते हैं। पता नहीं गो तस्करी की कहां कमाई घुस जाती है, जो ये घर, ये इसे घर कहते हैं। आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हो सकता है आप लोग जब ऊंची अट्टालिकाओं में रहते हैं तो इन घरों पर निगाह न पड़ती हो, इन लोगों पर निगाह न पड़ती हो, लेकिन ये घर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जरूर देखें। और भारत का विकास जो दिल्ली में बसता है और ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे भाषण छोड़ता है, उसको दिखा सकें तो इस तस्वीर को जरूर दिखाइए। दोनों नौजवान हैं, न भारत का स्किल इंडिया यहाँ तक पहुँचा है, न आवास योजना पहुँची है प्रधानमंत्री की, न उज्ज्वला योजना पहुँची है। शायद ये मुसलमान हैं इसलिए, या सबके लिए यही हालत है। खैर, इनकी जिंदगी की कहानी इन्हीं से पूछते हैं। फिरोज बताइएगा क्या हुआ था। ये हुआ था सर, हम गए थे लकड़ी को, जगह बताइए, जगह ये धमावा जी, धमावा देवराज, मतलब ले गए हम लकड़ी तोड़ने गए थे साहब, तो देवराज आए हमारे पास तो उठा ले गए चारपाइया से हमको, तो वहाँ जंगल में ले जा। देवराज किस गांव का रहने वाला? ये धमावा, उसका भाई प्रधान है। हाँ, पहले थे, अब नहीं। क्या नाम है उसका? ये देवराज, देवराज धनराज के भाई देवराज। देवराज क्या बजरंग दल का है? हाँ सर। तो आपसे क्या किया फिरोज? आपकी रोते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप कह रहे हैं, हाँ मैं गो तस्करी करता हूँ शहजादे और धर्मेंद्र बनिया के लिए, उसकी हकीकत क्या है? मार मार साहेब का बुलवावर रहे हम लकड़ी के, गए रहा मार मार के का बुलवावर रहे गरीब कहा कबूल हुआ। 500 रुपया भी रहा उसको भी जंगल। आपके गांव से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर उप मुख्यमंत्री का गांव है, केशव प्रसाद मौर्य का। हाँ। तो ये अन्याय उनके गांव से 4 किलोमीटर दूर होता है। आप काम क्या करते हैं? हम वही लकड़ी वकड़ी साहेब बेची थी और का करी तो इसके बाद आप शिकायत करने गए थाने में कि हमको पकड़ के ले गए थे और कह रहे थे गो तस्कर। कहाँ गए थे फिरोज आप? क्या बोला अधिकारी, कौन मिला था? कप्तान, सीओ कप्तान। क्या बोला कप्तान? बोला कि नहीं चलो बेटा ठीक हो जाएगा तुम्हारा काम। तो ये आपने कहानी सुनी इनकी। ये हकीकत कि जो आदमी लकड़ी बिनने गया उसको जो है वो बजरंग दलियों ने गो तस्कर बना दिया और उसकी कमाई का 500 रुपया, जिस आदमी की जेब में 500 रुपया हो और उसके घर की हालत ऐसी हो जहाँ इस 46-47 डिग्री टेम्परेचर के इलाहाबाद के आसपास के इलाका, जहाँ की आदमी गाड़ी में बैठा हो, घर में रह रहा हो, तब भी लू तपती हो, वैसे में ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे विकास की दावेदारी कितनी सच है। और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जो ये मुश्किल है, यह देश को कहाँ ले जाएगी, नफरत से पैसा उगाही कहाँ देश को पहुँचाएगा, ये सब सोचना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, थोड़ा इनके गांव की विकास का जायजा इन लोगों से पूछते हैं। इन बच्चों को देखिए, गर्मी का दिन है, बदन पर कितने कपड़े गिन के, और क्या स्थिति है। और यहाँ प्रधानमंत्री ने ये भी बना रखा है शौचालय और ताला लगा है। टट्टी जाते निकालता ही नहीं है, धस जाते अंदर का। अच्छा, टट्टी जाने पर निकलता नहीं है, जा है वही। अच्छा, एक और टट्टी घर दिख रहा है, वहाँ देखिए दूर यहाँ से दिखाई दे रहा है,
चादर लटक रही है। मैंने ऐसे ही सारे टट्टी घर देखे। हालांकि इसका नाम इज्जत घर रखा है हमारे प्रधानमंत्री ने। और ये गड्ढा है जिसमें कूड़ा जमा किया जा रहा है। ये है ये एक इज्जत घर, ये है जिसमें ताला बंद है। ये इसका ये गड्ढा है जिसमें कूड़ा है। सर पांव धरा है ही मत धस गया। अच्छा बंद ही हो गया। हाँ वो है सर पांव धरा मारे से बचा है। कैसे ऐसे ना वही में खेलत रहा यही वाले में। हाँ अब अगे है वही में एकदम धस के नहीं पूरा वही में धस गया लाउंडा। अगर जो ना देख लेते ना ना गदे में बताओ तो ढाई ढाई फुट तो ढाई फुट में टट्टी नहीं उतर रही है क्या? हाँ तो आज अभी भी आप लोग खेतों में ही जाते हैं? जंगल में पूरे में ताला बंद है। अगर एक हाथ से अगर एक बाल्टी पानी एक बाल्टी पानी डाल दे तो उतरा। अच्छा ऊपर आ जाता है। तो देखिए क्या विकास है। एक तरफ दिल्ली के संसद से बजट चला और लखनऊ होते हुए इन गाँव तक आया। और गाँव में जहाँ विकास होना था, जहाँ इस इज्जत घर को टट्टी घर के रूप में तब्दील होना था, वह ताला घर के रूप में तब्दील हो चुका है। और ऐसे दर्जनों घर हैं, कहीं माल घर के रूप में तब्दील है। सर कहा कि अब देखिए इसमें सामान रखते हैं ये लोग। ये देखिए ये नटों का गांव है। देश के सबसे गरीब जो जाति गिनी जाती है हमारे संविधान में और हमारे आरक्षण की कोटि में, उसमें सबसे सबसे गरीब जो लोग हैं वह ये लोग हैं। और उनके यहाँ बना हुआ इज्जत घर, जिसको ये लोग टट्टी घर कह रहे हैं, सही शब्द वही है, टट्टी घर ही। और ये लोग कह रहे हैं यहाँ उतरता नहीं टट्टी, अंततः खेत में जाना पड़ता है। इस दुविधा को समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ हमारी संसद से हमारा बजट भी चला आता है, इन लोगों इन गरीबों के दिए हुए टैक्स का पैसा भी इनके पास आ जाता है और कुछ मिलता भी नहीं है। लेकिन आसपास के इलाकों में ठेकेदार, नेता और अधिकारी लगातार फल फूल रहे हैं। हालांकि इन्हीं का सारा पैसा लगा हुआ है, जिनके घरों में ढंग से न घर है न आवास है। ये स्थिति है इन घरों की। या आप इस चौके को देखिए, बहुत सारा आपने मोदी जी की उज्ज्वला योजना की कहानियां सुनी होंगी, रोज अखबारों में आ रहा है। ये देखिए उज्ज्वला कैसे दिखाई दे रही है। गैस का चूल्हा आप देख रहे होंगे यहाँ नजदीक से। थोड़ी और आंख तेज करिए, शायद गैस का चूल्हा नजर आ जाए। और ये बगल में सिलेंडर भी है। अरे नहीं नहीं थाली नहीं है साहब, ये सिलेंडर है मोदी जी का, जहाँ दिखाई दे नहीं रहा आप लोगों को। चश्मा बदलिए विकास का, हो सकता है सही तस्वीर दिखाई दे। और ये बच्चे देखिए, ये बच्चे ये इसी देश के हैं, इन्हीं की मजदूरी के पैसे से हमारा देश पलता है। क्या स्कूल नहीं है यहाँ? स्कूल भी नहीं है सर। कितनी दूर है यहाँ से? कहीं स्कूल समझ लो रोड के वह पार है, 1-2 किलोमीटर मधुआ मई में। और लड़का जहाँ रोड के पार वही हो जाए, आंगनवाड़ी तक नहीं।